ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇੰਨੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। इस वायरल वीडियो को लेकर जब सीनियर डॉक्टर भारत भूषण के साथ गलबात की गई तो आओ तुसी भी सुनो की कहा उन्होंने। ये कर्मचारी जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ सर, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? ये मामला मेरी नॉलेज में था और ये जो हुआ इंसिडेंस ये सैटरडे को अर्ली सवा नौ बजे के करीब हुआ है। तो मंडे को मेरे को इसके बारे में पता चला जब 10:30-11 बजे ये जो आंचल है जो हमारी स्टाफ मेंबर है कंट्रेक्चुअल है एनएम और इसके साथ इसकी मदर और साथ में दो और स्टाफ मेंबर जो ग्रुप और दीपिका मेरे रूम में हैं। आंचल की मदर ने मेरे को कंप्लेंट की कि आपके हॉस्पिटल में जो साहब भट्टी रेडियोग्राफर है उसने मेरी लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसके बाद मैं जो स्टाफ मेंबर दूसरे थे उन्होंने भी इसको टेस्टिफाई किया कि हाँ सर हमारे सामने हुआ है ये और हमने हटाने की काफ़ी कोशिश की और दोनों को अलग किया। तो मैंने फिर जो हमारा स्टाफ है अंचल है उसको मैंने बोला कि आप मुझे लिखित में इसकी कंप्लेंट की कॉपी दो, मैं सीओ मैडम से बात करूंगा। और उसके बाद मैंने उनकी मदर को श्योर किया कि हाँ मेरे को इंक्वायरी करके मैं आपको जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैंने जो ग्रुप को बुलाया जो स्टाफ नर्स थी कि ये कहाँ पे हुआ इंसिडेंट, क्योंकि उनके सामने हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पे हुआ, तो उन्होंने बोला कि रूम नंबर 5 में स्पेशलिस्ट ओपीडी में हुआ है। तो वो जो रूम है हमारा अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस है, तो उसमें मैंने उस टाइम की वीडियो निकाली और उसको सेव की मैंने वीडियो, जो कि अपने सीओ मैडम के साथ मैंने शेयर कर दी है। और उसमें जो भी आप वीडियो आपके पास है आप देख रहे हैं दोनों में हाथों सर, ये कोई झगड़े की कोई पता लगे? हाँ, ये हॉस्पिटल का कोई मैटर नहीं है, इसमें हॉस्पिटल का कोई रिलेशन नहीं है और ये इनके पर्सनल इश्यूज हैं। और जय अगर स्टाफ की माने तो ये पहले भी इनके बीच में ये होता रहता है, ऐसी छोटी मोटी बहस वर्बली भी चलती रहती हैं, तो इस बार ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसका मैंने मैडम के संज्ञान में कल ला दिया था और आज मैं अपनी लिखित रिपोर्ट जो है मैडम को सबमिट करने जा रहा हूँ। उसके बाद भी जो मैडम उचित कार्रवाई हैं वो मैडम करेंगे। तो सर एक बार दोनों कर्मचारियों को यानी कि ड्यूटी से आने से मना कर दिया गया? हाँ, दोनों उनको उनकी ड्यूटीज वापस ले ली गई हैं और फिलहाल उनकी ड्यूटीज को सस्पेंड कर दिया गया है जब तक कोई फर्दर इंक्वायरी में जो भी कार्रवाई बनेगी उसके बाद देखा जाएगा। ये दोनों एएनएम थे? एक रेडियोग्राफर था कंट्रेक्चुअल था और दूसरा था एएनएम, जो आंचल थी वो एएनएम थी। की तुसी परेशान हो, आज ही संपर्क करो गुरु सिकंदर 98-151-56-152। मोनी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ, परेशानी जिवे पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पौना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जा प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटो मैक्स, प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो गुरु सिकंदर 98-151-56-152।